नमस्कार दोस्तों, चालबाज चीन है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आपको पता है कि एक तरफ सीमा विवाद उसके साथ कितना गहराता चला जा रहा है। आज भी खबर आई कि सिक्किम में उसने हमारे सीमा में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद हमारे सैनिकों के साथ, भारतीय सैनिकों के साथ झड़प भी हुई और कई चीनी सैनिक जो हैं उसमें फिर घायल भी हुए। ये अलग बात है कि सीमा पर उसकी जो ये है चालबाजी चलती रहती है, लेकिन सिर्फ सीमा ही नहीं है जिस पर उसकी चालबाजी चलती रहती हो, और भी क्षेत्रों में वो कोशिश करता रहता है कि किस तरीके से भारत पर वो दबाव बनाए। ऐसा ही एक क्षेत्र है पानी का, नदियों का, उसके तहत वो कैसे भारत पर दबाव बना सकता है, उसकी कोशिश कर रहा है। खबर यह आ रही है कि वाटर वॉर छेड़ने की तैयारी कर रहा है चीन। वाटर वॉर, अभी तक आपने लैंड वॉर सुना होगा, एयर वॉर सुना होगा, लेकिन अब वो वाटर वॉर छेड़ने की भी तैयारी में है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। चीन तिब्बत से भारत की तरफ जो नदी बहती है उस पर, कई नदियों पर कई बड़े बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। इन बांधों को वो भारत के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की सोच रहा है। गर्मी के मौसम में उसकी कोशिश पानी रोककर भारत के निचले इलाकों में सूखा पैदा करने की होगी, और इसी तरह बरसात में चीन पानी छोड़कर भारतीय इलाकों में बाढ़ भी ला सकता है, तबाही भी ला सकता है। बकायदा एशिया टाइम्स की पूरी एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि चीन इन दिनों यारलुंग जांगबो पर एक मेगा डैम बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस डैम के बारे में ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इससे चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री जॉर्ज, जिसका नाम है थ्री जॉर्जेस, से भी तीन गुना ज्यादा पनबिजली पैदा की जा सकेगी। जानकारों का कहना है कि चीन के इस विशाल आकार के बांध से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। बता दें कि जांगबो भारत में दाखिल होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बन जाती है, यानी वहां पर जब बहती है तो जांगबो, जब भारत में आ जाती है तो उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यारलुंग जांगबो, यानी कि यही ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने को लेकर चीन ने भारत और बांग्लादेश से चर्चा तक नहीं की। बताइए, वहां से पानी निकलता है, हमारा भी उस पर अधिकार है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं की है। और वो खुले रूप से जल बंटवारे को लेकर हुई संधियों की अनदेखी कर रहा है। इस नदी के निचले हिस्से में आने वाले पड़ोसियों के साथ विचार विमर्श की कमी दक्षिण पूर्व एशिया में विवादों को जन्म दे सकती है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है। साथ ही कहा गया है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र की तरह कई देशों से बहने वाली मेकांग नदी पर भी 11 मेगा डैम बनाए हुए हैं, और चीन ने इस बारे में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम को भी कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी। यानी उनके साथ भी ये हरकत कर चुका है और भारत के साथ भी ये हिमाकत करने की सोच रहा है। अब देखना होगा इस बारे में क्या किया जाता है, भारत की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है, या फिर बात की जाती है, या फिर अब ये कहा जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, ये सीधा सीधा जल संधि का एक तरीके से उल्लंघन होगा, कोई सख्त रुख तो अपनाना पड़ेगा। चीन को मनमर्जी अगर हमने करने दी तो फिर चीन वही करेगा जो उन तमाम देशों के साथ वो करता आया है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको इतने सारे देशों का, उन देशों ने चुप्पी साथ रखी थी, कुछ बोला नहीं था, चीन ने उसका फायदा उठाया और अब वो वहां पर कमांडिंग पोजिशन में है। हिंदुस्तान के खिलाफ अगर वो इस तरीके से कमांडिंग पोजिशन में आएगा तो ये हमारे लिए ही नुकसान है, और देखना होगा आने वाले वक्त में भारत सरकार इसका किस तरीके से जवाब देती है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।